How they dance. हाथ उठाना। हाँ, व्यास तो गद्दी है। हाँ, मात्र शास्त्र प्राण मात्र मनुष्य ने बनाई। वी माने विशेष, आस माने बैठ गए, जो विशेष रूप से नंबर वार एक के बाद एक बैठ गए सिर्फ ज्ञान का लेन देन करने के लिए, उनकी व्यास गद्दी कही गई है। बाकी ऐसा नहीं है कि कोई व्यास हुआ है जिसने शास्त्र लिखे हैं। बता दिया, पहले पहले चित्र बनाए गए हैं। द्वापर के अंत में 400-500 साल चित्रकारी की गई, बाद में उन चित्रों के आधार पर शास्त्र बनाए गए और शास्त्रों के इंटरप्रिटेशन किए गए। और बाबा, ये वास्तुशास्त्र क्या है? वास्तुशास्त्र जो आज के जमाने में जिसे कहते हैं बिल्डिंग बनाने का शास्त्र, ऐसा बनाना चाहिए, वैसा बनाना चाहिए, ऐसा बनाएंगे तो ये अनिष्ट हो जाएगा, ये फायदा हो जाएगा, वैसा बनाएंगे तो ये अनिष्ट हो जाएगा, वो फायदा हो जाएगा, ऐसी ऐसी अपनी मनुष्य मत बैठ बनाई है। बाकी असली वास्तुकार तो स्वयं परमात्मा है, जो आकर के नई दुनिया बनाता है। वो नई दुनिया 2500 वर्ष तक के लिए सेफ रहती है। बिच्छुड़ी 100 बच्चे पैदा करती है। हैं? बिच्छुड़ी 100 बच्चे पैदा करते हैं तो उसकी पेट भर जाती है, बच्चे बाहर निकल आती है। इसका बेरोजगार तो क्या है? बिच्छू, फीमेल बिच्छू ढेर के ढेर बच्चे पैदा करती है और उसका पेट फाड़ करके बच्चे पैदा होते हैं। हाँ, तो माँ मर जाती है। हाँ, बिच्छुनी मर जाती है, बच्चे बाहर निकल आते। हाँ जी, इसका बेहदगार क्या? बेहदगार से आज की दुनिया में नहीं देख रहे बच्चे पेट फाड़ करके निकाले जाते हैं और एक साथ दो दो चार चार बच्चे पैदा होते हैं। ये वेद की दुनिया में, आज की दुनिया में ये बात लगाई जा रही है। बाबा भी मना करते हैं, चार चार आठ आठ छः छः दस दस पंद्रह पंद्रह लोगों को बैठ करके साप्ताहिक कोर्स मत दो। कितनों को बैठ के बताना चाहिए? एक एक को बैठ समझाएंगे तो अच्छी आत्माएं निकलेंगी, पावरफुल आत्माएं निकलेंगी। उनको अभिविचारी दृष्टि योग मिलेगा, अभिविचारी वाचा मिलेगी, अभिविचारी वाइब्रेशन की शक्ति मिलेगी और श्रेष्ठ आत्माएं पैदा होंगी। लेकिन श्रीमत पर नहीं चलते हैं तो उनको कहेंगे बिच्छू टिंडन मिसल है, खुद भी दुखी होते हैं और दूसरों को भी दुखी करते हैं। और बाबा, गुरु लोग जब खाना खाते हैं सारे थाली साफ कर दो, इसका व्यवहार हो गया। वो गुरु भी हद के गुरु हैं। यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में बेहद के गुरु बैठे हुए हैं। वो स्थूल थाली सफा चट्ट करते हैं, उसका नाम क्या है जिसको सफा चट्ट कर देते हैं, चाट जाते हैं, क्या नाम है? था ली, क्या ली? था ले ली जिसकी।
उसका नाम पड़ गया थाली। जड़ थाली की बात है या चैतन्य थाली की बात है? ऐसे ऐसे सन्यास धर्म की आत्माएं हैं ये विधर्मी। और मुरली में बड़ा अच्छे संसद तो जन्म मरण से हरा है। मुरली में बड़ा अच्छे संकट तो जन्म मरण में से नारा है। शंकर पार्वती पुनर्जन्म में से है, मतलब शंकर पार्वती पुनर्जन्म लेते हैं। जहाँ लिखा है शंकर पार्वती पुनर्जन्म लेते हैं, वो शंकर पार्वती की तरफ इशारा नहीं है, आदि देव आदि दया देवी की तरफ इशारा है। और जहाँ कहा है शंकर तो जन्म मरण के चक्र से न्यारा है, वहाँ शंकर शब्द एक ऐसे व्यक्तित्व की तरफ इशारा दिया है जिसमें अनेक आत्माओं का संकरण होता है। और बाबा शिव के मंदिर के अंदर जो शिवलिंग दिखाया जाता है, हाँ जी, जबकि शिवलिंग की स्टेज तो बीज रूप स्टेज होती है, बीज रूप स्टेज होती है, उसी स्टेज में दिखाया जाता है, जबकि उसका आधार लियो है नीचे योनि का चित्र बनाया, नीचे योनि बनाई जाती है, लिंग को जो है योनि का ही आधार क्यों लेना पड़ता है, ऐसा चित्रण ही क्यों दिखाया गया है, जबकि बिंदु रूप में भी तो उसको दिखाया जा सकता है पुरुष, जबकि दोनों चीजें विकारों की निशानी है। पुरुष और प्रकृति, पुरुष और प्रकृति में अंतर क्या है? प्रकृति है स्त्री का रूप, और पुरुष है आदमी का रूप, मेल का रूप। मेल बीज प्रदपिता कहा जाता है, वो बीज है, आधार नहीं है, धरणी आधार है, धरणी धारण करती है बीज को। तो बीज रूप जो पिता है वो धरणी का आधार लेता है, अगर धरणी का आधार नहीं लेगा तो बीज फलीभूत नहीं हो सकता। धरणी का आधार लेना ही पड़े, भले वो परमपिता परमात्मा ही क्यों न हो, वो भी संसार में तब ही प्रत्यक्ष हो सकता है जब वो प्रकृति का आधार लेता है। इसलिए गीता में लिखा हुआ है प्रकृति सौम्य निष्ठा है, ये मेरी प्रकृति है जिसका मैं आधार लेता हूँ। कृति प्रमाणा प्रकृष्ट रूप से, कृति माने रचना, जिसकी प्रकृष्ट रूप से रचना की जाती है वो है प्रकृति। शिव ज्योति बिंदु तो ज्ञान का बीज है, स्वयं ज्ञान स्वरूप है, वो ज्ञान का सूर्य है, और धरणी का आधार लेता है, तब चंद्रमा जैसे बच्चों की जन्म होता है। पर ब्रह्मा से सारी सृष्टि रची जाती है, तो शिव ज्योति बिंदु के लिए जो गाया हुआ है गीता में,
मैं प्रकृति का आधार लेता हूं। आम बीज प्रदप पिता, मैं बीज डालने वाला पिता हूं। तो डालने वाला ऊपर होगा या नीचे होगा? है ऊपर है, और जो उसको ग्रहण करने वाला है वो नीचे है। इसलिए पार्वती जो जगत माँ है उसको नीचे कई ऊट दिखाया गया है, जिसका नाम दिया है बे, अलफ नहीं, क्या बे। असली माँ कौन है? ये ब्रह्मा ही तुम्हारी जगदम्बा है, परंतु तन पुरुष का है। इसलिए मम्मा को निमित्त बना के बैठाया गया फॉर द टाइम बीइंग, अल्पकाल के लिए। सदाकाल के लिए कोई जगदम्बा और है? तो जगदम्बा है स्त्री का चोला, जगत पिता है पुरुष का चोला। जिस जगत पिता में ज्योति बिंदु प्रवेश करता है, किस लिए? आप समान बनाने के लिए। तो वो आप समान जिसे बनाया जाता है, और आप समान बनाने के लिए उसमें जो प्रवेश करता है, दोनों का रूप अलग अलग होना चाहिए या एक ही होना चाहिए? पता कैसे चलेगा ये आप समान बनाने वाला है और ये बाप समान बनने वाला है? दोनों के रूप में क्या अंतर है? पहचान कैसे पड़े, पता कैसे पहचान पड़ता है? क्योंकि जो बाप निराकार ज्योति बिंदु है वो आप समान बनाए देता है, तो दोनों ही एक रूप हो जाते हैं। तो पहचान देने के लिए बताया कि मैं तो सदैव ही बिंदु हूं, मैं कभी लिंग नहीं बनता हूं। हाँ, जिसमें प्रवेश करता हूं वो बिंदु रूप भी बनता है स्टेज के आधार पर, और लिंग रूप साकार भी रहता है। वो लिंग की मेरी पूजा होती है और देवताओं की सब इंद्रियों की पूजा होती है। कमल नयन कहेंगे, कमल मुख कहेंगे, कमल पाद कहेंगे, कमल हस्त कहेंगे, उनके लिंग की पूजा नहीं होती। क्योंकि जो भी 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं हैं, 33 करोड़ देवताओं सहित, वो कोई भी 100% ज्योति बिंदु नहीं बन पाती। एक ही आत्मा है जो बाप समान क्या बनती है? ज्योति बिंदु बनती है 100%। इसलिए उसका नाम इसके साथ जोड़ा जाता है, जो सदैव ज्योति बिंदु है। इसलिए वो ही पुरुष है, स्त्री तो बे का रूप है, पड़ा हुआ रूप है। स्त्री चोले को पतित बनाया जाता है, वो स्त्री चोला ही अगले जन्म में फिर पुरुष बनता है। तो पतित तो आत्मा होती है, परंतु काहे के द्वारा पतित होती है? शरीर के द्वारा। इसलिए शरीर ही प्रकृति का रूप है। शिव के लिए कहेंगे
शिव ज्योति बिंदु के लिए प्रजापिता प्रकृति का रूप है। मैं अपनी प्रकृति का आधार लेता हूं ज्ञान का बीज बोने के लिए। तो शिव ज्ञान का बीज बोने के लिए अपनी कौन सी प्रकृति है जिसका आधार लेता है, है? प्रजापिता का साकार रूप। और प्रजापिता किसका आधार लेता है, जगदम्बा का आधार लेता है। तो आधार दोनों के बीच में कौन हुआ, शिव ज्योति बिंदु और प्रजापिता, दोनों के बीच में आधार किसे कहेंगे? और सदा सर्वदा का पुरुष कौन है और अल्पकाल के लिए पुरुष कौन बनता है? प्रजापिता भी तो ब्रह्मा है। पहला ब्रह्मा कौन है? प्रजापिता। इसलिए वो भी आधार है। सारी सृष्टि में जो भी आत्मा मात्र हैं, वो सब आधार हैं। एक शिव ज्योति बिंदु पुरुष है, वो सदा काल का पुरुष है, अल्पकाल का नहीं है। छोटे बच्चे को मां नहीं समझ सकती है, इतना प्यार पैदा हो गया है। और हाँ जी, शिव द्रोही मन दास का हवा सुन मुन नर सपनों नहीं पाओ। सारी पंडिताई झांक के रख दी। अच्छा, तो क्या पूछना चाहते हैं? शिव द्रोही मम दास कहावा तो नर सपने हूँ वो ही न पावा, इसमें पूछना क्या है? कहते हैं सपनों नहीं आवा। सपनों नहीं आवा, उनका मतलब क्या है? आवा तो नहीं बोला, पावा पावा ही हो गया। शिव द्रोही मम दास कहावा, जो शिव का द्रोही है वो मेरा दास नहीं कहा जा सकता। जो ऐसा कहता है वो स्वप्न में भी मुझे नहीं प्राप्त कर सकता। सोनर सपने हूँ मो ही न पावा, मुझे प्राप्त ही नहीं कर सकता। लेकिन ये किसके मुख से बोला गया है, ये वाक्य किसके मुख से बोला गया? अरे बोलने वाला कौन है? कौन से शास्त्र की बात है? रामायण की बात है, लेकिन बोली किसने है? उस पात्र का नाम क्या है? तुलसीदास। तुलसीदास ने तो सारी रामायण बोली, राम वाली आत्मा ने बोली। राम अपन को भगवान समझता है, तो भगवान ये बात कहते हैं। क्या क्या कहते हैं, फिर से रिपीट करो। अब तो सही सही रिपीट कर दो। शिव द्रोही मम दास कहावा, जो शिव का द्रोही है वो मेरा दास मेरा भक्त कभी नहीं हो सकता। वो मेरे को किसी जीवन में प्राप्त नहीं कर सकता। कौन? जो शिव का द्रोह करने वाला है। यहाँ शिव उन्होंने किसको कहा है? शिव ज्योति बिंदु को कहा है, या शिव जिसमें प्रवेश करता है उसको कहा है? है? हाँ, शंकर के लिए बोला है कि जो शंकर का द्रोह करता है वो भगवान को नहीं पा सकता। जैसे कि बाबा मुरली में कहते हैं, ब्रह्मा का विरोध किया माना
इसका विरोध किया है, शिव बाबा का विरोध किया। तो ऐसे ही है कि रामायण में जो भगवान का पात्रधारी है वो ये बात कहते हैं कि जो शंकर का विरोध करने वाला है वो स्वप्न में भी मेरे को प्राप्त नहीं कर सकता है। एक बार स्त्री आधारात्मा, एक बार स्त्री और एक बार पुरुष चुनाव में आती रहती है, तो ये अल्टरनेट उसकी पुरुषोत्व और गर्भकुली बुद्धि कैसे बनती रहती है? कोई भी आत्मा स्त्री और पुरुष का चुनाव खाली करते रहती है, तो एक बार गर्भकुली बुद्धि और एक बार की बुद्धि प्राप्त करता है। अभी तो बता दिया, जो पुरुष है वो भी उसमें भी जड़त्व तो है या नहीं है? प्रजापिता पुरुष है या स्त्री है हमेशा के लिए? प्रजापिता परसेंटेज में और आत्माओं के मुकाबले पुरुष है या स्त्री है? पुरुष है। तो परसेंटेज के हिसाब से कहा जाता है कि कोई आत्मा है जन्म जन्मांतर पुरुष का ज्यादा जन्म लेने वाली है और कोई आत्माएं जन्म जन्मांतर स्त्री का ज्यादा जन्म लेने वाली है, एक जैसी नहीं हो सकती। ये भेंट में कहा गया है। बाकी परम पुरुष तो एक ही है जिसकी सब सजनीय है, वो कौन है? है एक शिव ही है जो परम पुरुष है, वो किसी के कंट्रोल में नहीं चलने वाला, उसके कंट्रोल में आदम भी चल सकता है, इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट ये सब उसको नमन करेंगे, लेकिन वो किसी को नमन करने वाला नहीं है, वो कभी बे नहीं बनने वाला है, वो क्या है? वो सदैव अलग ही है, लेकिन किसके द्वारा अलग है या बिंदु है? है तो बिंदु, लेकिन बिंदु अकेला रख दिया जाए तो उसका कोई मूल्य नहीं है, इसलिए अंक जरूर चाहिए। वो अंक अलफ ही है जिसमें आने के बाद वो परम पुरुष बनता है, अकाल पुरुष। ऐसा अकाल पुरुष कि सारी दुनिया महाकाल के गाल में चली जाएगी, लेकिन वो अकाल पुरुष को कोई मरते हुए नहीं देख सकेगा। जो वांस में शरीर छोड़ रहे हैं उनको दोबारा जरूर मिलेगा? जरूर मिलेगा, क्योंकि उन्होंने एक बार निश्चय धारण कर लिया है कि जो एडवांस में आवेंगे उनको उनका रिजल्ट क्या होगा आखिरी? कि शरीर रहते ही मुक्ति को प्राप्त करेंगे, जीवन मुक्ति को प्राप्त करेंगे। तो बल शरीर छूट जाए, देहम वा पातयामि कार्यम वा सारी असाधयामि, शरीर भल छूट जावेगा, लेकिन जो लक्ष्य लिया है वो लक्ष्य अगले जन्म में जाकर के फिर पूरा करेंगे। अरे भगवान के द्वारा दिया हुआ लक्ष्य धारण किया है, पढ़ाने वाला कौन है? स्वयं भगवान उनको पढ़ाने वाला है। बाबा, हाँ जी बाबा, महात्मा लोग कहते हैं कबीर जन्म मरण से न्यारा है, इसका विरोध में क्या होगा? महात्मा लोग कहते हैं कबीर जन्म मरण से न्यारा है, इसका क्या तो नानक वाले नानक की बड़ाई करेंगे, जो कबीर के भगत हैं वो कबीर की बड़ाई करेंगे, जो रहीम के भगत हैं वो रहीम की बड़ाई करेंगे, जिन्होंने जिसको सदगुरु माना हुआ है वो अपने सदगुरु की महिमा करेंगे। अब सोचने की बात है, कबीर भगवान का रूप है
यह शिव भगवान का रूप है। फिर कबीर की तो बात ही नहीं, कबीर तो अभी आए हैं 200-400 वर्ष पहले। भगवान तो सदा काल का है। और मत चंगा तो कटौती में गंगा। हाँ जी, मन जब चंगा होता है तो मन नहीं रहता, अमन हो जाता है। जिसने मन के ऊपर कंट्रोल कर लिया वो आत्मा संपूर्ण बन जाती है, संपूर्ण आत्मा की संकल्प सिद्धि हो जाती है। चाहे तो कठौती में गंगा देख ले। अरे गंगा को तो छोड़ो, एक बूंद पानी में सारा संसार देख ले, इतनी उस संपूर्ण आत्मा में शक्ति आ जाती है। और आयुष्मान वाले माता जी को पूछ लें दे। हाँ, नया बच्चा है, त्रिपुरा से आयो वो नया बच्चा। त्रिपुरा से त्रिपुरा से आया, त्रिपुरा से हाँ आया वो। हाँ हाँ, तो जहाँ कहीं से भी आया वो बाद में मिल ले। व्यक्तिगत बातें भरी सभा में नहीं पूछना चाहिए। पर्सनल बातें भरी सभा में नहीं पूछना है, सबका कल्याणों की बातें पूछो। आर्य समाज वाले अपने को आर्य मानते हैं, ऐसा क्यों? सभी धर्म वाले अपने को आर्य मानते हैं, ज्यादा मानते हैं। वो बोल बोल करते हैं, दूसरे धर्म वाले बिना बोले ऐसे समझते हैं कि हम ही श्रेष्ठ हैं, हमारे मुकाबले और कोई दूसरा धर्म श्रेष्ठ नहीं है। और ज्ञान तो सदा है ही है, बाबा ज्ञान तो सदा है ही है। ज्ञान सदा है, मनुष्य पैदा करता है ज्ञान, लेकिन तुम कहते हो। अरे ज्ञान सदा होता तो भगवान को आने की क्या दरकार है? अगर इस सृष्टि पर सदा ज्ञान मौजूद होता तो भगवान को इस सृष्टि पर आने की दरकार है? द्वापर से जो लिखे गए थे वेद 2:21 लिखे, व्यास ने पढ़े के लिखे थे, हैं? व्यास भगवान ने पढ़े थे कि लिखे गए थे द्वापर से जो लिखे गए वेद 7 के द्वापर से लिखे गए बाबा। हाँ, जो वो जिसे व्यास ने लिखे किसी ने पढ़े थे कि लिखे गए थे, लिखे थे। कोई भी शास्त्र जो बनाए जाते हैं किसी भी धर्म में, वो धर्म पिता का उच्चारण किए हुए महावाक्य होते हैं। जो धर्म पिताएं हैं वो बोल करके सुनाते हैं, लिख करके कापी में नहीं देते। बाद में उनके जो फॉलोअर्स होते हैं वो उन शास्त्रों को लिख देते हैं। उस लिखे हुए का नाम पड़ता है बाइबल, गीता, कुरान वगैरह वगैरह। और बाबा हमारी एम ऑब्जेक्ट होती है लक्ष्मी, नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनना। हाँ जी, लेकिन लक्ष्मी और नारायण का पत्ता भी डिक्लेयर हो चुका है, तो अब हम तो लक्ष्य मानकर पूछा करें जो उसके बाद नंबर नहीं है क्या? सच्चे तो मैं एक ही नारायण बनता है क्या है? और किसी नारायण की तो कोई गाथा ही नहीं है। गाथा ही नहीं है, माना पहले नंबर का नारायण आप नहीं बन सकते है? इनका मतलब है बाबा क्या, वो तो डिक्लेयर हो चुकी सीट। हाँ, तो फिर बारह हमें कहाँ मिल जाएगी? वो हमें कहाँ मिल जाएगी? पुरुषार्थ करो तुम्हें मिल जाएगी। जिसको नारायण की डिग्री मिल गई होगी वो तुम्हें ऑफर कर देगा। जब मुरली में बोला है कि प्लस में भी नारायण आ सकता है, सन 76 में
और 76 से पहले नारायण की डिग्री किसी को मिली हुई थी या नहीं मिली हुई थी? किसको? ब्रह्मा बाबा को नारायण की डिग्री मिली हुई थी, सरस्वती को लक्ष्मी की डिग्री मिली हुई थी। तो उन्होंने भी ये प्रश्न किया, क्या उसके समय ये प्रश्न हुआ लोगों को कि लक्ष्मी नारायण की डिग्री जो डिक्लेयर हो गई, मम्मा और बाबा लक्ष्मी नारायण बनेंगे, तो हम क्या पुरुषार्थ करें? तो उसका जवाब आया कि नहीं? क्या आया? प्लस में नारायण बन गए। बाबा भी कहते हैं एक माला की बात छोड़ो, ढेर मालाएं बना देंगे, तुम कोई न कोई माला के मुखिया बन जाना, अपनी दुनिया के तुम नारायण बन जाना, हर सितारे में एक एक दुनिया छिपी हुई है, एक एक सितारे में एक एक दुनिया बसी हुई है, वो सितारा स्वयं उस दुनिया का मालिक है। अब कोई छोटी दुनिया के मालिक है, कोई बड़ी दुनिया के मालिक है। मुसलमानों से कहो तुम्हारी घरवाली, तुम उसको बेगम क्यों कहते हो? क्यों कहते हो बेगम? क्या तुम बादशाह हो? तो क्या समझते हैं वो अपने को? वो कहेंगे हम अपने घर के बादशाह हैं। तो उनकी उतनी ही छोटी सी दुनिया है, जितनी सेवा करेंगे उतनी बड़ी दुनिया के मालिक बनेंगे। रौछे आओ मत। क्या कहा? परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्या करने की जरूरत है? पुरुषार्थ करने की जरूरत है, ज्यादा से ज्यादा सेवा करने की जरूरत है। जितनी जास्ती आत्माओं को संदेश देंगे, जितनी आत्माओं को अपने संपर्क संसर्ग संबंध में लावेंगे, वो सब आपकी दुनिया की भांति बनेंगी, आप उतने बड़े नारायण बन जाएंगे। घबराहट पैदा करने की जरूरत नहीं है। और पार्वती को शरीर छोड़ते हुए जैसे सीता को भी धरती में समाया दिखाया है, द्रौपदी को भी जैसे पहाड़ पे चल गए, लेकिन राधा को कहीं नहीं दिखाया है। राधा को कहीं नहीं दिखाया शरीर छोड़ते हुए? हाँ, क्या नहीं दिखाया? राधा और पार्वती अलग अलग थे क्या? अरे अरे अरे, पहले एक बात तो क्लियर कर लो। पंगा बदल बदल के क्यों पैतरे बदल बदल के लड़ाई कर रही है? अज्ञानी ने पूछा था, हम तो क्या? अज्ञानी ने पूछा तो तुमने पूछ दो। अब ज्ञानी बन के पूछो। और बाबा, 4 लाख रुद्र माला के मर गए हैं और 4.5 लाख विजय माला के, तो जैसे कृष्ण और राधे जैसे जन्म लेने वाले बच्चे हैं, कृष्ण और राधे जैसे जन्म लेने वाले बच्चे हैं, अगर वो आएंगे तो संख्या ज्यादा हो जाएगी ना? जनसंख्या ज्यादा हो जाएगी ना? जनसंख्या ज्यादा हो जाएगी। 4.5 लाख रुद्र माला के, 4.5 लाख रुद्र माला के और 4.5 लाख विजय माला के। हाँ, राधा चंद्रवंश की और कृष्ण सूर्यवंश का, ये संगम की बात है या सतयुग की बात है? ये संगम की बात है। और जो तुम पूछ रहे हो वो सतयुग की बात पूछ रहे हो या संगम की बात पूछ रहे है? सतयुग की बात पूछ रहे। तो सतयुग में तो जो भी जन्म लेने वाले होंगे वो चंद्रवंशी होंगे या सूर्यवंशी होंगे? तो चंद्रवंशी हुए। और बाबा क्या आ रहा है? मनुष्य अपने बाप को भगवान समझते, और इसका अर्थ मनुष्य अपने बाप को भगवान समझते, अपने आप को? हाँ, तुम भी समझ लो। हर आदमी चाहता है हम अपने को सबसे ऊंचे से ऊंचा बनाएं,
सबके अंदर महत्वाकांक्षा होती है। हम छोटे बने या बड़े बने? बड़े बने। तो हर आदमी ये चाहता है हम बड़े से बड़े बने, लेकिन बड़े कर्मों से बनेंगे, व्यवहार से बनेंगे, अच्छी वाचा से बनेंगे, अच्छे संकल्पों से बनेंगे, या सिर्फ सोचने मात्र से बन जावेंगे? करने से बनेंगे ना। तो जो कर नहीं पाते हैं वो फिर सोचते हैं अब ये करना धरना और ये बाचा बोलना व्यवहार करना ये तो बड़ी लंबी चौड़ी खीर है, इसलिए अभी से स्वयं ही बन के बैठ जाओ, शिवो हम पूजा कराना शुरू करो। कोई करेगा तो ठीक है, नहीं करेगा तो जो दे उसका भी भला, न दे उसका भी भला। और बाबा बेसिक में ज्योतिष भाई को बेसिक में ज्योतिष भाई को वेद व्यास का टाइटल दिया गया है, वेद व्यास का यही सच ही झूठ है? मतलब ये बातें सच है ये झूठ है? अब समझ लो, आप बताइए जो वेद व्यास का टाइटल दिया है वो सच्चाई का विरोध करेगा या सच्चाई के अनुकूल चलेगा? है अनुकूल चलना चाहिए। तो उन्होंने जो भी शिक्षा दी है बीके ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में, वो भगवान को प्रत्यक्ष करने की शिक्षा दी है या भगवान को गुम करने की शिक्षा दी है? तो फिर व्यास कहाँ से हो गया? व्यास को तो भक्ति मार्ग में समझते हैं कि व्यास भगवान था। मनुष्यों में अगर कोई सर्वश्रेष्ठ है द्वापर युग से तो कौन श्रेष्ठ है? व्यास। और भगवान बाप के बन के जिस इंद्रिय में विकर्म करेंगे उस इंद्रिय काटी दी जाएगी। हाँ, उसका वेद का अर्थ यही है कि जो आदमी जैसा कर्म करता है वैसा ही उसको फल मिलता है। क्या? जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल मिलेगा। अगर फालतू बातें सुनाता है, अफवाहें उड़ाता है, झूठी बातें सुनाता है और दूसरों की झूठी बातें सुनता है तो बहरा बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? है बनना चाहिए। जो आदमी गंदी दृष्टि से दूसरों को देखता है, गंदे गंदे संकल्प चलाता है, गंदी दृष्टि से देख करके दूसरों को नीचा दिखाता है, अनिष्ट करता है, दूसरों को भावनाहीन बनाता है, हीनता की भावना पैदा कर देता है, वो अंधा बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? बनना। तो ये हिसाब बना हुआ है। हिंसा माना है? हिंसा माने कि हिसाब माने? हिंसा। हिंग माने? हीनता। एक बड़प्पन होता है उसका उल्टा होता है हीनता, हीनता की भावना, और एक उसका उल्टा बड़प्पन की भावना। अंग्रेजी में कहते हैं इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स, सुपीरियरिटी कम्प्लेक्स। सुपीरियरिटी कम्प्लेक्स जो है वो अपने को महान समझेगा, दूसरों को भी महानता के रूप में देखे तो महानता है। और अरे सोच लो फिर बात बता दे। में प्रवेश करता हूँ जिस बच्चों ने पालना ली इस समय, जिन बच्चों के साथ बात, जिस बच्चों के साथ मतलब मुगर का जो बात था उसने मतलब पालना दी, बच्चों का खाया पिया, मतलब बच्चों को खिलाया पिलाया सब कुछ करा, उनके साथ रहा। लेकिन अब हमारा मेरा अब मेरा मुझे आत्मा का कमजोर है जो मतलब मेरे साथ बाबा ने। अरे कोई दुखड़ा है तो बोल दो, सबके सामने ही बोल दो क्या हुआ बाबा। दुखड़ा नहीं है,
मतलब कुछ आत्माओं से सुनता हूँ कि बाबा ने हमारे साथ खाना खाया, बाबा ने हमारे साथ मतलब खेत में खेत करा ये कर। अरे तुम अपनी कंप्लेंट सीधी करो, कुछ आत्माओं की बात छोड़ दो। नहीं बाबा, मतलब मैं कहना चाहता हूँ कि मतलब मेरा भी दुख है जो बाबा के साथ कभी ना, मतलब बाबा के साथ कभी मतलब भोजन करने का मतलब ऐसा कुछ। अच्छा आज का ब्रह्मा भोजन होगा कि नहीं होगा? इस भाई को बैठा देना ब्रह्मा भोजन में, बाबा के साथ। हाँ हाँ हो गया, चलो। और बाबा, हाँ शिव निरा बाबा है? शिव निराकार क्यों है? शिव निराकार क्यों है? एक बच्चे का प्रश्न है कि शिव निराकार क्यों है। शिव इसलिए निराकार है कि दुनिया में जितने भी साकार हैं वो सब कितने भी शिष्टाचारी बन जाए, भगवान उनको कितना भी बड़े से बड़ा शिष्टाचारी बना दे, फिर भी एक दिन वो भ्रष्टाचारी बन जाते हैं। जब सारे ही शिष्टाचारी दुनिया के भ्रष्टाचारी बन जाते हैं तो उन भ्रष्टाचारियों को आज भी मुरली में बात आई कि सारी दुनिया के सारे ही भ्रष्टाचारियों को शिष्टाचारी कौन बनावेगा, इसलिए शिव निराकारी बनते हैं कि मैं एक ही हूँ जो सदैव निराकारी हूँ, क्योंकि जो निराकारी है वो ही निर्विकारी और निरहंकारी रह सकता है। और पुरुषार्थी जीवन में भी जो जितना निराकारी निर्विकारी और निरहंकारी बन करके रहता है पुरुषार्थी जीवन में, वो उतना ही शिव के नजदीक रहता है। परमधाम में शिव के नजदीक सीट मिलेगी, और जिसको परमधाम में शिव के जितने ही नजदीक सीट मिलेगी, दुनिया में जब वो आत्मा उतरेगी तो दुनिया की नजरों में भी वो उतनी ही ऊंची उठ करके रहेगी। इसलिए ये नियम है कि जो जितना निराकारी वो उतना ही निर्विकारी बनेगा और उतना ही निरहंकारी बनेगा। तो एक आत्मा तो जरूर 100% निराकारी होनी चाहिए और सदाकाल के लिए होनी चाहिए, उसका नाम है सदाशिव। वो सदाशिव किस रूप में दिखाया जाता है, उसका कोई निशानी है? शिवलिंग निशानी नहीं है, है? नहीं, उसकी निशानी है शंकर का तीसरा नेत्र। क्या नाम है उस नेत्र का? सदा शिव नेत्र। सदाशिव उस सदैव खुला हुआ ज्ञान का नेत्र है, वो कभी भी अंधकार में नहीं रहता। और मनुष्य आत्माएं सब अंधकार में आ जाती है। और भगवान नारद ने लक्ष्मी को वर्णन, अरे रुको, हाँ तब राजा राम ने मिलके हर चलाया। हाँ हल क्या होता है? हल क्या चीज होती है और हल कहाँ चलाया जाता है? हल धरणी में चलाया जाता है। धरणी
हल चलाने से भुरभुरी हो जाती है, कोमल हो जाती है। कोमल धरणी में बीज आसानी से ग्रहण हो जाता है, और जितनी कोमल धरणी होगी बीज की जड़ उतनी ही ज्यादा गहरी जाएगी। पौधा ज्यादा फलेगा फूलेगा, तो ऐसे ही राजा राम थे जिन्होंने बुद्ध रूपी धरणी को बहुत भुरभुरा बनाया। बुद्धि जो है वो धारणा करने वाली धरणी है, सात्विक धारणा करती है। धारणा करने वाली धरणी जितनी भुरभुरी होगी, जितनी कोमल होगी, उतना बीज अच्छा फलीभूत होगा। तो राम ने हल चलाया। और जनक के यहाँ पूछा है माता, जनक के यहाँ काल पड़ा, फिर राजा जनक ने हल चलाया तो माता जी ने पूछा। अरे राजा जनक कोई दूसरा नहीं है, राम वाली आत्मा ही राजा जनक है। जनक माने पिता, वो उसका पिता भी है, वो उसका पति भी है। भगवान क्या है? हमारा पिता भी है और पत्नी भी है, जो साजन सजने का भी संबंध है भगवान के साथ। तो जनक कोई दूसरा नहीं था। अपने राज्य में उन्होंने जब हल चलाया धरणी में, तो उसमें से मटका निकला। क्या निकला? कलश निकला। कलश, वो कलश मिट्टी का था या सोने चांदी का था? मिट्टी का था। तो स्त्री जाति तो मिट्टी की ही होती है। मिट्टी माना धरणी, और धरणी में से जो पैदा होगा, आदि जिसका धरणी में से है, अंत भी कहाँ होगा? धरणी में ही हो जाता है। तो सीता धरणी से ही जन्म लेती है, धरणी में ही समा जाती है। वो है ही प्रकृति का मूल तत्व, मुख्य तत्व पृथ्वी। बाबा कन्या देवी निकली। हाँ जी, कन्या के रूप में ही दिखाई जाएगी। क्या पंडुए के रूप में थोड़ा ही दिखाई जाएगी? वो धारणा करने वाला पंडुआ थोड़ा ही होगा, धारणा करने वाली कन्या होगी या कुमार होगा? कन्या ही धारण करती है। अंतिम प्रत्यक्षता का सीन क्या होगी? अंतिम प्रत्यक्षता का सीन कैसे होगी? अंतिम प्रत्यक्षता सीन क्या होगा? जो देखे, जो सुने, उसके मुख से निकले मेरा बाप आ गया। और अंगुली में आया, ऐसे बहुत हैं जो आपस में नून पानी भी पड़ते हैं। बाबा कहते हैं बन पड़ेंगे, चंदन बन पड़ेंगे। हाँ, आपस में लड़ते झगड़ते रहेंगे, नून पानी होते रहेंगे, इसका मतलब बाप नहीं आया हुआ है फैसला करने के लिए। है? हाँ, विश्वास नहीं है इतना, इसलिए बाप के फैसले के ऊपर अविश्वास करके खुद आपस में ही लड़ना झगड़ना चालू रखते हैं। और जो आपस में रिश्ता दोस्त करते हैं, तो उनका क्या होगा? वही है, लड़ाई झगड़ा ही तो है। नून पानी होना माने लड़ाई झगड़ा, ईर्ष्या द्वेष करना माने लड़ाई झगड़ा। नारद की लक्ष्मी को वरना से कैसा बैठी क्या? वो तो सन्यासी था। नारद जो है, नार माने ज्ञान जल, द माने देने वाला। जो ज्ञान जल दूसरों को तो बांटता है, लेकिन खुद विकारी दुनिया में, भ्रष्टाचारी दुनिया में ही रमण करता रहता है।
तो उसको नारद कहा जाता है। अब समझ गए क्या? नारद भ्रष्टाचारी में रमण करता है, हाँ नारद कहा जाता है। नारद उसे कहा जाता है, दूसरों को तो ज्ञान देता है लेकिन खुद नरक की दुनिया में ही विचरण करता रहता है, इसलिए ऐसा है। शास्त्रों में कहा गया कि जब ऋषि मुनि किसी को श्राप देते हैं या देवता किसी को श्राप देते हैं तो उस श्राप को पूरी तरह से बदलते नहीं है बल्कि एक वरदान या उसको कम कर देते हैं, ऐसा क्यों? हाँ जी, हाँ ऐसा क्यों? कोई ज्यादा पीछे पड़ेगा, माफी मांगेगा। बाबा भी तो कहते हैं तुम बच्चे पाप कर्म करते रहे, इस जन्म में भी पाप कर्म करते हो, किए हुए कर्मों का तुम्हारा 100 गुना बोझा चढ़ता है। तो जो अपने आप अपना पाप बताए देते हैं, पोता मिल लिख करके दे देते हैं, उनका माफ नहीं करते बाबा? करते हैं या नहीं? करते हैं। आधा माफ कर देते, तो भगवान तो आधा माफ कर देता है। तो ऋषि मुनि जो इतनी तपस्या करने वाले हैं, इतना पुरुषार्थी हैं, तो थोड़ा बहुत तो माफ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? हैं? बाबा मुरली में आया कि कन्याओं के पीछे सारी दुनिया, कन्याओं की सारी दुनिया दुश्मन बनेगी। हाँ बनेगी, नहीं बन रही है। तो बाबा एडवांस के परिवार के अंदर ये बात कैसे लागू होती है? अच्छा अभी तुमने पहचाना नहीं, एडवांस के अंदर सब दुश्मन नहीं है, सब दोस्त हैं। हैं? सबकी गोद में चले जाना चाहिए है? अरे भगवान खुदा दोस्त ही सच्चा दोस्त है या सबकी गोद में चले जाना चाहिए? फिर ऐसे कहते हैं श्री पीपल के पत्ते पर कृष्ण समुद्र में अंगूठा चूस गया। आया पीपल के पत्ते पर समंदर में कृष्ण अंगूठा चूसते हुए आया। हाँ इसका अर्थ ये है कि हद में पीपल का पत्ता होता है उस पर विचार करो, हद में अंगूठा होता है उस पर विचार करो, हद में सागर होता है उस पर विचार करो। सागर का मिसाल है विषय सागर। ये दुनिया क्या है? विषय सागर है। कब? बड़े से बड़ा विषय सागर ये दुनिया कब बनती है? जब भगवान इस सृष्टि पर आते हैं तो ये सारी दुनिया विषय का सागर बन जाती है। दुनिया विषय का सागर बन जाती है या दुनिया का बीज भी विषय का सागर बन जाता है? हैं? अरे दुनिया सागर है तो उसका बीज क्या होगा? बीज भी सागर होगा। अरे क्या हुआ? अरे पूरी बात तो हो जाने दो। तेरी दूसरे की बात सुननी ही नहीं है। एक और नया बैठा हुआ। इसको कहते हैं राम की सेना। बंदर का चित्त कभी एकाग्र नहीं होगा, ऐसे देखेगा। अभी एक प्रश्न पूछा गया है, सागर में पीपल के पत्ते पर अंगूठा चूसते हुए कृष्ण को दिखाया गया है गर्भ महल के अंदर आराम से बैठा हुआ है, तो बताया कि ये सारी दुनिया संसार सागर है,
सारी दुनिया के हिसाब से नहीं समझ सकेंगे, तो बीज के रूप में समझ ले। जो संसार सागर है उसका बीज क्या है, क्या है, है? प्रजापिता। प्रजापिता क्या है? बीज है। उस बीज में सारा संसार समाया हुआ है। जैसे गीता में कहा है, नाहम तेषु ते मयि, अर्थात मैं पत्तों में नहीं समाया हुआ हूँ, लेकिन वृक्ष के 500-700 करोड़ पत्ते सारे मेरे में समाये हुए हैं। तो वास्तव में ये बात है किसकी? प्रजापिता की नहीं है। प्रजापिता की तब है जब वो तमो प्रधान है, विषय का सागर है। जब क्षीर सागर बनता है तो किसकी बात है? नारायण की बात है। तो सारी दुनिया में जो विषय सागर लहराए रहा है उसमें पीपल का पत्ता पड़ा हुआ नवैया के रूप में आया हुआ है। नवैया माने कोई शरीर रूपी नैया है। जिस शरीर रूपी नैया में पीपल के पत्ते में कष्ट वाली आत्मा बिठैया के रूप में है। अब प्रजापिता तो क्लियर हो गया कि वो सारी मनुष्य सृष्टि का बीज है, विषय सागर है। सागर लिए लिए तो संसार में ये प्रसिद्ध है कि उसमें ज्ञान रतन भी भरे पड़े हैं और कीचड़ भी भरा पड़ा है। लेने वाले का क्या अधिकार है? क्या चाहता है लेना है? कीचड़ लेना चाहता है तो कीचड़ में डुबकी लगाए, और रतन लेना चाहता है तो रत्नों में डुबकी लगाए। तो यहां बात हो रही है संसार सागर की। वो विषय सागर इन्होंने ले रहा है, उस विषय सागर में पीपल का पत्ता रूपी हल्की नवैया आ गिरी है। वो कौन है जो पीपल के पत्ते के मुआफिक हिलती है, जिसके लिए शास्त्रों में भी गायन है, पीपल पात सरस मन डोला। क्या पीपल के पत्ते की तरह मन डोलायमान हो जाता है? थोड़ा सा हवा का झोंका आया, थोड़ा सा झंझावात आया और वो पत्ता तेजी से, पीपल का पत्ता देह तेजी से हिलेगा। और पत्ते इतने तेजी से नहीं हिलते हैं। पीपल के पत्ते के मुकाबले कोई और पत्ता है जिसके ऊपर छोटे मोटे हवा का झोंका का कोई असर भी नहीं होता? कोई है या नहीं है? बड़ का पेड़, बड़ के पेड़ का जो पत्ता है और डाली है बड़ी मजबूत होती है, वो बड़ का पेड़ कौन है? प्रजापिता। तो प्रजापिता है पुरुष और पीपल का पत्ता है जगदम्बा, रुद्रमाला का आखिरी मणका, सबसे कमजोर मणका दिखाया गया है शास्त्रों में। दिखाते हैं कि ऐसे कमजोर मणके का भी आसरा लेकर के भगवान गोवर्धन पर्वत उठा लेता है। वो चाहे तो कितने ही कमजोर से कमजोर आत्मा के द्वारा बड़े से बड़ा काम करा सकता है। तो वो पीपल का पत्ता है जगदम्बा, और जगदम्बे में प्रवेश करती है कौन सी आत्मा? ब्रह्मा, कृष्ण की सोल। और वो कृष्ण की सोल
करती है, स्वर्ग में प्रवेश करती है या नरक की दुनिया को क्रॉस करके स्वर्ग में प्रवेश करती है? हैं? कहते हैं ब्रह्मा जब 100 साल का हो जाता है तो नरक की दुनिया खलास करके अमरलोक में जन्म लेता है। ब्रह्मा कहाँ खलास होता है? मृत्युलोक में खलास होता है। तो कब की यादगार है ये? ब्रह्मा की आयु 100 साल कब पूरी हुई? 86-87 में। 86-87 में जब 100 साल आयु पूरी होती है तो वही ब्रह्मा की सोल कृष्ण के रूप में जगदम्बा में प्रवेश कर जाती है। और जैसे ही जगदम्बा में प्रवेश करती है वैसे ही कर्नाटक से ढेर की ढेर आत्माएं निकल पड़ती हैं एडवांस ज्ञान में। उस एक वर्ष में ब्रह्मा की सोल ने संपन्न होने के बाद एक वर्ष पूरा लगातार वाणी नहीं चलाई, सारी शक्ति एडवांस ज्ञान में ही उड़ेल दी। तो पीपल के पत्ते पर संसार सागर में गर्भ महल के अंदर माता का पेट में दिखाया है गर्भ महल, उसमें कृष्ण की आत्मा बड़े आराम से अंगूठा चूसती हुई पड़ी है। आत्मा को शास्त्रों में किस रूप में दिखाया है? अंगूठे के रूप में। तो अंगूठा क्या है? मन बुद्धि रूपी आत्मा का मनन चिंतन मंथन ही अंगूठा चूसता हुआ दिखाया गया। ऐसी आत्मा श्रेष्ठ आत्मा उसमें विराजमान है, इसलिए गायन है नैया हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। जो अनिश्चयी आत्माएं होती हैं आज निश्चय पैदा करती हैं कि नवैया ऊपर दिखाई पड़ रही है, कल अगर नवैया मंक गाने बगाने डोल गई और समंदर के अंदर सागर के अंदर चली गई थोड़े समय के लिए तो क्या समझते हैं? और डूब गई कि डूब गई। लेकिन ऐसा नहीं है, वो नैया हिलेगी डुलेगी कितने भी लेकिन डूब नहीं सकते। तो शास्त्रों में ये बड़ा भारी अर्थ दिखाया गया, प्रतीकात्मक चित्रण है कवियों का। और कवि ऐसे नहीं कोई कविता लिख करके ही अपने भाव को व्यक्त करते हैं, वो चित्रकार चित्रकारी करते हैं पहले पहले। तो अजंता एलोरा एलिफेंटा की गुफाओं में ये चित्रकारी की गई है पीपल के पत्ते के ऊपर जो दिखाते हैं अर्थ बताते हैं। लेकिन सही अर्थ बताता कौन है? शिव बाबा ही उसका सही अर्थ बताते हैं।